वहीं गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट के बिसाहड़ा गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने और 7 सालों में विश्व में देश 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया। दुनिया की बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थान आज बोल रही हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वित्तीय संसाधन है, यही वजह है कि कुछ समय में हम 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, किसी को विश्वास ना हो तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र देख ले, 1951 से देख ले, हमने कहा कि जिस दिन दोनों सदन में बहुमत मिल जाएगा हम 370 खत्म कर देंगे, हमने खत्म कर दिया। 1984 से कहते आ रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा और हमारी सरकार आई और बना दिया। हम आंदोलन कर रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, और सरकारें पूछती थी लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जो कहा था वो करके दिखाया। जेवर एयरपोर्ट जिसका प्रस्ताव मैं लेकर गया था, बीच में कई और सरकार आई और ठंडे बस्ते में चला गया। सीएम योगी और मोदी ने संकल्प लिया और जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। बहनों भाइयों, आज से नहीं 1951 से जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी कहा था जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमें बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हमने कहा था 1984 से हम कहते आए हैं जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी, स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय नारे लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग हम लोगों से पूछते थे, आप लोग बार बार नारे लगाते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मेरे बहनों भाइयों, आपने देख लिया अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया।